हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति डेम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेक्टर अल्जेब्रा सदिश बीजगणित एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर क्या है कि ये सभी बिंदु दिए हुए हैं और दिखाना है आपको कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। तो देखेंगे, संरेख दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। एक बार फिर से सीखें, देखेंगे अगर वेक्टर ए बी आपको निकालना है तो सबसे पहले बी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखें, बी का पोजीशन वेक्टर लिखते समय यहाँ पर लिखेंगे 2i प्लस 6j और प्लस 3k कैप। माइनस पोजीशन वेक्टर आप ही जरा देखें क्या लिखेंगे, आई प्लस 2j और प्लस 7k इस तरह से। और जब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आएगा कितना भाई, आई और यहाँ से मिलेगा प्लस 4j और यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस 4k कैप इस तरह से। हाँ, यहाँ पर 4j कैप और माइनस 4k कैप इस तरह से, ये क्या मिला वेक्टर ए बी। अब करेंगे क्या, अब वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी जब लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बी। तो पोजीशन वेक्टर आप सी कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या बनेगा, 3i प्लस 10j माइनस वेक्टर की माइनस, देखेंगे पोजीशन वेक्टर आप बी तो इसमें i j k लगाकर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप इस तरह से। और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, i कैप और प्लस कितना 4j कैप और यहां से कितना आएगा, माइनस 4k कैप। यह बना वेक्टर बी सी। तो यह इक्वेशन वन, यह इक्वेशन टू। तो बाई इक्वेशन वन एंड टू हम क्या देखते हैं, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। इसका मतलब बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। तो यहां पर जरा देखें, लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी, अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। क्या है भाई, संरेख है। क्यों, क्योंकि जब वेक्टर समान है तो उनका डायरेक्शन भी समान है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस j प्लस k कामा i कैप माइनस 3j माइनस 5k कैप और 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, तीन बिंदु दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये सभी एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, हाँ दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस j प्लस, अच्छा सदिश दिया हुआ है, हाँ बोलिए तो क्या दिया हुआ, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप, 2i माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस के कैप और बी बराबर, हाँ आई कैप माइनस 3j कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर सी बराबर, हाँ 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप है माइनस 4k कैप। तो समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना कीजिए। हाँ, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, मतलब यह क्या है,
एक त्रिभुज के भुजाओं के स्थिति सदिश दिए हुए हैं, ठीक। और आपको दिखाना है कि वह त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो इसके लिए एकदम सबसे सरल तरीका क्या है कि यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालिए, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालिए और मॉड ऑफ वेक्टर सी निकालिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। देखेंगे यहाँ से तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखेंगे 4 + 1 + 1 कितना, अंडर रूट 6 इस तरह से। अब करेंगे क्या, ए मान लिया 1, इसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालिए, क्या होता है आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। तो यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें यहां से 1, यहां से 9, यहां से 25, तो 25 × 9 = 34 और 1 = 35 अंडर रूट 35 इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 9 प्लस 16 और प्लस 16। तो यहाँ पर जरा देखें 16 + 32 = 42 अंडर रूट 41 यह मान लिया समीकरण 3 और यह समीकरण 2। तो ये क्या आ गया, त्रिभुज की भुजाएं आ गई। और अगर किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। तो यहाँ पर दो सबसे छोटी भुजा कौन कौन सा आया है, एक यह आया एक यह आया, इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे और वर्ग करके क्या कर देंगे जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या यह तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आया या नहीं। तो यहाँ पर याद रखें यह मॉड ऑफ वेक्टर ए है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे देखें इस तरह से, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर जब करेंगे और प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6 और प्लस कितना 35 कितना आ जाएगा 41 यहाँ पर कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 41 और 41 क्या है मॉड सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जरा देखें मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जब किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। तो यह क्या इंप्लाइज करेगा, यह इंप्लाइज करेगा अतः त्रिभुज समकोण है। दिस इंप्लाइज त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज कैसा है समकोण है। क्यों है, क्योंकि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 लगा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिणाम ए है और लेमडा एक शून्येतर सदिश है तो लेमडा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव है और इसमें चार विकल्प भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप उन विकल्पों को पढ़ें जो कि दिए हुए हैं।
तो विकल्प, हाँ विकल्प ए में दिया हुआ है लेमडा बराबर वन, लेमडा बराबर वन, विकल्प दो लेमडा बराबर माइनस वन, लेमडा बराबर माइनस वन, विकल्प सी ए बराबर मॉड ऑफ लेमडा, ए बराबर मॉड ऑफ लेमडा, और चौथा है ए बराबर वन अपान मॉड ऑफ लेमडा, यही yes. अच्छा दिया क्या है, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, हाँ देखेंगे शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना ए, शून्येतर का मतलब इसकी वैल्यू शून्य नहीं है, शून्य के अलावा, तो कह रहा है कि वेक्टर ए का जो परिमाण है वह कितना है ए है, आगे और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, लेमडा क्या है अदिश है, शून्येतर अदिश का मतलब शून्य के अलावा नॉन जीरो, तो अदिश ठीक है, तो लेमडा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, यदि तो लेमडा वेक्टर ए इस तरह से yes, एक मात्रक सदिश है, क्या है मात्रक सदिश, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि लेमडा टाइम्स वेक्टर ए क्या है एक मात्रक सदिश है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, यही ना, तो इसमें जरा देखें अगर यह मात्रक सदिश है तो यह क्या है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा एक के बराबर होगा, क्योंकि मात्रक सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है एक, यानी लेमडा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना आना चाहिए वन आना चाहिए, तो यहाँ पर जरा देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ लेमडा, और क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना वन, यहाँ पर मॉड इसलिए लगाया गया क्योंकि लेमडा अगर धनात्मक है या ऋणात्मक है तो मॉड लगा देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा धनात्मक, तो यहाँ पर यह हो गया मॉड लेमडा, और वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए की जगह क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ लेमडा इंटू ए इक्वल टू कितना भाई वन, तो यहां से ए इक्वल टू जब निकालेंगे ए इक्वल टू तो वन अपान क्या आएगा मॉड लेमडा, तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही।